जी 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 हाँ जी जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी YouTube फैमिली। आई होप आप सब लोग अपने अपने घरों में खुश होंगे, ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुमा आमीन। तो ये सुबह तकरीबन 10:30 बजे का टाइम था और ये बाहर अब्दुल्ला और फातिमा आपस में खेल रहे थे और ये बार बार साइकिल से गिर रहा था, तो फातिमा ने इसकी साइकिल जो थी वो पकड़ के बाद में छुपा दी। तो ये तो अब्दुल्ला पूरी कंप्लीट तवज्जो मांगता है, तो सारा दिन लग गया मुझे इसके पीछे पीछे जाते हुए और घर के काम करते हुए। मैंने रूम की डीप क्लीनिंग भी की और वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई थी कपड़े वॉश करने के लिए। और फिर फातिमा जब कायसा पढ़ने के लिए चली गई तो फिर मैंने मेथी के पराठे बनाए। उसके लिए मैंने मेथी ली, तकरीबन आधा किलो मेथी थी मेरे पास, हरा धनिया था, हरी मिर्चें थी और हाफ प्याज था, हाफ टमाटर था और ये चार जो है मेरे पास लहसुन के थे। तो इन सब को मैं ब्लेंडर में डाल के इनकी मतलब पेस्ट नहीं बनाऊंगी, हल्का सा इसको दादर फादर सा कर लूंगी। और आपने इसकी डंडियां नहीं लेनी, एंड से आके इसके पत्ते लेने हैं। और यहाँ पे मैं इसको अच्छे से कर लूँगी ब्लेंड। ये देखें, ये मैंने पेस्ट नहीं बनाई, इसको मोटा मोटा ही रखा है। तो तकरीबन मैंने 1.5 इसमें आटा लिया था, इसमें 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी डाल दी और 1 टीस्पून मैंने नमक डाला और 1 टीस्पून ज़रा भर के मैंने लाल मिर्चों का डाल दिया। और ये थोड़ा सा हाथ में क्रश करके मैं सूखा धनिया भी इसमें डाल दूँगी। और इसमें पहले पानी मिक्स किए बगैर इसको अच्छे से पूरी चीज़ों को आटे के साथ मिक्स करना है ताकि नमक लाल मिर्च वगैरह जो है अच्छे से हर जगह पे मिक्स हो जाए। और ये मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको गूंध लिया था। इसको एक दो चार इसको मुकियाँ देके इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैं सेट होने के लिए रख दूंगी। अब मैंने हल्का हल्का इसके ऊपर पानी भी लगा दिया था और ये 10-15 मिनट के बाद मैंने इसकी रोटियां बनानी स्टार्ट कर दी थी। और इसको मैं बेल लूँगी, पर इसमें कोई शेप नहीं, मतलब कि एक्यूरेट गोली बने की ज़रूरी नहीं है, तो इसको मैं बेल लूँगी। मेरा आटा हल्का सा सॉफ्ट हो गया था शायद टमाटर की वजह से, लेकिन रोटियाँ मेरी माशाल्लाह ठीक से बन गई थी। आप तवे पे रोटी को डाल के उसको अच्छे से सेट कर सकते हो, अगर गोल करना चाहो तो आप हल्के हल्के से उसको प्रेस करके गोल भी कर सकते हो, पर मेरी रोटी ठीक थी, ठीक बन गई थी। और मैं इसकी साइड चेंज करके इसको घी में मैं फ्राई करूँगी, क्योंकि अगर आपने क्रिस्पी पराठा खाना होता है तो आप लोगों को ज़रूरी है कि घी में ही इसको पराठा बनाएं, वो तभी क्रिस्पी बनता है, नहीं तो ऑयल से पराठा सॉफ्ट हो जाता है। और इसको अब मैं गोल घुमाते घुमाते इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी पराठे को, और ये क्रिस्पी भी हो जाएगा और अच्छे से पक भी जाएगा। तकरीबन आपने 1-1.5 मिनट लगाना है इसको ऐसे गोल गोल घुमाने में।
मुझे डर था कि शायद अब्दुल्ला ये नहीं खाएगा, तो मैं उसके लिए साथ में मैंने पराठा भी बना लिया था सिंपल, लेकिन माशाल्लाह उसने खा लिया था और उसको काफ़ी पसंद भी आया था। और ये माशाल्लाह से पहला पराठा बनकर तैयार हो गया। और इसी तरह से अब मैं दूसरा पराठा भी बना लूंगी। लास्ट ईयर ये पराठे मैंने अम्मी के हाथ से खाए थे और मुझे बहुत मज़ा आया था, क्योंकि भाभी ने बनाए थे पहली बार। मुझे यही था कि शायद ये तंदूर में ही बनते हैं, तंदूर के बगैर ये रोटी बनती नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर जब मम्मी ने बनाया मुझे इतना पसंद आया, तो फिर मैंने घर आके वापस ख़ुद भी बनाया और अब मैं बनाती हूँ डेली रूटीन में। मैं जब से सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं तकरीबन 3 से 4 दफ़ा बना चुकी हूँ। और आप इसको दही के साथ भी खा सकते हैं और अचार के साथ भी खा सकते हैं। मेरे पास अम्मी के हाथ का बना हुआ अचार पड़ा हुआ था, मैंने उसके साथ खाया था। और ये माशाल्लाह अब्दुल्ला पराठा खाते हुए, इसको खुद से खाना खाने की आदत है, ये किसी के हाथ से बाइट नहीं लेता। कपड़े ड्राई कर लूं? खाला कपड़े ड्राई कर ले। नो हाय चलो खाला कपड़े ड्राई करें। और ये शाम को मैंने चनों का शोरबा बनाया था और उसके साथ में मैंने चावल बॉईल कर लिए थे। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि ये भी मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ, तो मे भी आप लोगों को पसंद आए और शायद आपको पहले से ये रेसिपी पता हो। और अब ये यहाँ पर बन चुका हुआ है, तो इसके अंदर मैं हरी धनिया और लाल मिर्ची बड़ी बड़ी मोटी मोटी काट के डाल दूंगी। क्योंकि आज सारा दिन तो मैं अब्दुल्ला के पीछे पीछे, क्योंकि वो पूरी तवज्जो मांगता है, तो मैंने कुछ इतना ख़ास मतलब या तो मशीन लगाई थी या कमरे का काम मतलब डीप क्लीनिंग की थी रूम की बस, और सारा दिन इसी तरह गुजर गया। और यहाँ पे एक साइड पे चावलों को दम भी लग गया था और चावल मैंने कम ही बनाए थे, 1 गिलास अपने लिए, फातिमा के लिए और अब्दुल्ला के लिए, और साथ में मैंने जब हस्बैंड घर आए तो उनके लिए पराठे बना लिए थे। और यहाँ मैं कपड़े प्रेस कर रही थी हस्बैंड के। और इसके साथ ही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल पर आते हैं, वीडियो को देखते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी किया करें चैनल को और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करें। और ये मेरे पूरे दिन की एक सिंपल सी रूटीन है जो मैं आपके साथ डेली शेयर करती हूँ, या उसमें कोई डिफरेंट मैं कोई खाना वगैरह बनाती हूँ तो उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इसके साथ ही आप अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।